आईकेएमजी रेडियो दिल से दिल तक के सभी श्रोताओं को रचना मुकेश का प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच कवि सम्मेलन के तीसरे भाग के साथ। माता पिता हमारे जीवन की वो मजबूत कड़ी हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। इनके बिना जीवन के बारे में सोचना भी नामुमकिन है। बच्चे हर दिन माता पिता को प्यार व सम्मान देते हैं और उन्हें साल में एक दिन स्पेशल फील कराने के लिए, उनके लिए कुछ स्पेशल करने के लिए बच्चों ने ये दिन शुरू किया। ये कब, कहाँ और किसने शुरू किया ये हम आपको बताएंगे अभी नहीं, कल फादर्स डे पर। पिता हमारे लिए क्या क्या करते हैं इसका बहुत सुंदर व सजीव वर्णन किया है कानपुर से श्रीमती शबनम मेहरोत्रा जी ने अपनी काव्य रचना पिता में। मैं आईकेएमजी के मंच को नमन करती हूं और आप सभी सुधीजनों का अभिनंदन वंदन करती हूं। मैं कानपुर से मिसेस शबनम मेहरोत्रा एक गृहिणी हूं, कवित्री नहीं, पर 68-69 की एज से मैंने लिखना शुरू करा। उन्हीं में से आज मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है पापा। घर में पापा के संग मिलता सुखद आभास, अनुशासन की बहती एक तरंग सी सुभाष। हमारे स्वप्निल संसार में नियति के नाम जीवन भर लड़ते रहे पापा एक संग्राम। कभी उन्मुक्त आकाश कभी बरगद की छांव, शैल बने तुम मुश्किल में अटल खड़े नंगे पांव। पापा तुम मेरे जीवन के स्नेही नायक रहे, ईश्वर सा प्रेम तुम्हारा अविरल बहता रहे। बच्चों को काबिल बनाने के लिए करते संघर्ष, मिटा अवसाद, करते स्वयं खुद से ही संवाद। पशोपेश में वो रहे कैसा सुखद अनूठा रिश्ता, दिन पंछी बन उड़ जाते हैं जूझे घरौंदा बनाते। जो गतिविधियों पर रखते सख्त निगाह, देते दुआ करते प्यार परवरिश परवाह। माँ से 9 महीने पुराना रिश्ता हम जल्दी समझे, पापा घर की पूर्णता हो तुम ये हम अब समझे। माँ पापा हम तुम्हें प्यार करते हैं, करते रहेंगे सदा सर्वदा, बिना तुम्हारे अधूरे हैं, अधूरे रहेंगे। नमस्कार। बेटियाँ पापा की जान होती हैं और पापा बेटियों की। हर बेटी अपने पापा की राजकुमारी होती है। मेरी पहचान है मेरे पापा, मेरी शान है मेरे पापा, मेरी हर खुशी और हर हंसी में है मेरे पापा। जो है लाखों में एक, हाँ वो मेरी जान है मेरे पापा। बेटियों के लिए पापा क्या होते हैं ये सिर्फ बेटियां ही समझा सकती हैं। तो आइए सुनते हैं सतना से राशि मोंगिया जी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशि मोंगिया है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आज आपको अपनी लिखी हुई छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है पापा भी है खास। हम अक्सर माँ को तो विश कर देते हैं, मम्मा क्योंकि हमारे पास रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों पापा को विश करना भूल जाते हैं, या कुछ लोग पापा से डरते भी हैं। कल फादर्स डे है, इसीलिए आज मैं आपको पापा पे एक कविता सुनाती हूँ जो डेडिकेटेड है सारे फादर्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं पापा भी है खास। मम्मी तुम हमेशा पापा के नाम से क्यों डराती हो? पापा तो हमें कभी नहीं डराते। जन्म तुम देती हो, जीना हमें पापा सिखाते। जब तुम थक जाती हो तो पापा ही है जो हमें संभालते। जब तुम स्कूल के लिए टिफिन तैयार करती हो, पापा धीरे से हमारी जेब में पॉकेट मनी डाल देते। तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती तो पापा जल्दी से शू लेस बांध देते। जब तुम बस छूटने पे डांटती तो पापा खुशी से उछलते हुए बोते।
पापा खुशी से उछलते हुए बोलते, कोई बात नहीं, आज स्कूल की छुट्टी। तुम किताबों की थ्योरी पढ़ाती हो माँ, और पापा उसे प्रैक्टिकल में करके सिखाते। जब रिजल्ट देख तुम भड़कती हो तो पापा बोलते, आई एम प्राउड ऑफ यू। जब तुम हमें बुखार में पट्टी करती तो पापा भी हमारे सिराने बैठकर सिर दबाते। जब तुम मूवी के लिए मना करती हो, पापा तुम्हारे सोने के बाद हमें मूवी दिखाते। तुम हमेशा लेट नाइट पार्टी के लिए मना कर देती, फिर पापा चुपके से कार की चाबी उठाकर हमें लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते। हमारा बर्थडे आने पर ढेर सारे गिफ्ट लाते और अपना बर्थडे आते ही कहते, नो गिफ्ट्स प्लीज। और पापा का ये कहना कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं Let them live in their own style, हमारे मन को छू जाता। जब शादी की बात आती तब वो कहते, अभी उम्र ही क्या है मेरी बेटी की। माँ गुस्से में बोलती आप ही ने बिगाड़ा है अपने बच्चों को। ये सुन हम और पापा खूब हंसते। जब सही में शादी की उम्र आई तो पापा के माथे चिंता की लकीरें छाई। अब पापा हर रोज परखते, ना जाने कितने लड़कों का टेस्ट लेते और बोलते, मेरी लड़की के लिए कोई बना ही नहीं है क्या। माँ फिर चिढ़कर बोलती, आपको तो कोई पसंद ही नहीं आता, पता नहीं क्या होगा आप बाप बेटी का। पापा हंसकर बोलते कि तुम चिंता मत करो, मुझसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता मेरी बेटी के लिए। अब तुम ही बताओ हम पापा से क्यों डरे। जाओ बुला लाओ पापा को, आज हम भी उन्हें बताएंगे कि वो कितने खास हैं हमारे लिए। सिर्फ मम्मी ही नहीं, पापा भी हमारी ज़िंदगी का बहुत कीमती हिस्सा है। इसीलिए आज सारे पापा लोगों को, सारे फादर्स को विशिंग यू अ वेरी फादर्स डे इन एडवांस। फादर्स डे कल है पर हमारा प्रोग्राम आज आ रहा था, इसलिए विशिंग ऑल फादर्स अ वेरी हैप्पी फादर्स डे इन एडवांस। थैंक यू सो मच। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से, मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सब उंगलियों से, न जाने पापा ने कौन सी उंगली को पकड़कर चलना सिखाया था। आइए सुनते हैं श्रीमती लक्ष्मी खन्ना जी से उनकी कविता पापा। आज लक्ष्मी खन्ना की ओर से IKMG रेडियो के माध्यम से कुछ पंक्तियाँ हर पिता को समर्पित। तो कविता का शीर्षक है, पिता को है पता। हर पिता को ये होता है पता, हर पिता को ये होता है पता कि एक दिन उनकी नन्ही परी ससुराल चली जाएगी, कि एक दिन उनकी आँखों का तारा शायद समंदर पार चला जाएगा। फिर भी भविष्य में आने वाले एकाकीपन को भुलाकर अपने जिगर के टुकड़ों के भविष्य की चिंता करने वाले और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ होते हैं पिता। आज अपने पिता की याद अनायास ही मुझे सताने लगी, कुछ घटनाएं मस्तिष्क में दोहराने लगी। आज भी याद है मुझे वह शाम जब ऑफिस से आकर पानी पीने से पहले पूछते थे हर बच्चे के स्कूल का काम। आज भी याद है मुझे वह शाम जब माँ से नहीं डरते थे हम, और बस उनसे नजरें मिली तो सहम जाते थे हम। आज भी याद है मुझे वह शाम जब अपनी गोद में बैठा कर अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे, अच्छे आचरण और संस्कार की परिभाषा बताते थे वे। आज भी याद है वह शाम
जब हंसते हुए हमारे लिए छोटा सा तोहफा लाते थे वे, और अपनी आर्थिक तंगी को हम सबों से छुपाते थे वे। बचपन में किसी भी अभाव का एहसास न दिलाया, अपनी जिम्मेदारियों को जरूरत से ज्यादा निभाया, कीचड़ में कमल की तरह अपने बच्चों को खिलाया, गलतियां करने पर थोड़ा डांटा फिर प्यार से सहलाया, और गलती न दोहराने का पाठ भी पढ़ाया। त्याग और बलिदान की मूरत थी वे, वाकई दिल से बहुत खूबसूरत थी वे। त्याग और बलिदान की मूरत थी वे, वाकई दिल से बहुत खूबसूरत थी वे। संघर्षपूर्ण जीवन जीना आदत से बन गई थी उनकी, निस्वार्थ सेवा करना इबादत सी बन गई थी उनकी। शत शत नमन है, जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी कमी सताई गई, उनके द्वारा दी गई शिक्षा बस सांसों के साथ ही जाएगी, बस सांसों के साथ ही जाएगी, बस सांसों के साथ ही जाएगी। हैप्पी फादर्स डे टू द ग्रेटेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। थैंक यू। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज्यादा कामयाब हों। घर में रास्ता भटक जाऊं, मुझे फिर राह दिखाना, हर कदम पर साथ निभाना, क्योंकि नहीं है दूसरा कोई और दोस्त आपके जैसा पापा। आइए सुनते हैं सीतापुर से श्रीमती पारुल मेहरोत्रा जी की कविता पापा। IKMG के सभी श्रोताओं को पारुल मेहरोत्रा का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। माता और पिता हमारे जीवन के दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जिनकी खूबसूरती, अहमियत, गहराइयाँ और चमक को लिखने के लिए अंबर से विशाल काय कागज, समुद्र के जल से अधिक स्याही और तारों की अनगिनत संख्या से अधिक शब्द का संयोजन भी शायद कम पड़ जाए। कल फादर्स डे है, इसलिए मैंने पिता पर बोलने की जिद्दोजहद उठाई है। पापा, जब भी आपके लिए कुछ भी लिखती हूँ, लेखनी मेरी इतराती है। पापा, जब भी आपके लिए कुछ भी लिखती हूँ, लेखनी मेरी इतराती है, नतमस्तक हो कई दफ़ा झुक झुक जाती है। क्या लिखूं पिता आपके लिए, जिसमें छिपी बेशुमार अच्छाइयाँ। हम आधा अधूरा ख्वाब, आप हमारी सच्चाइयाँ। पापा, हम आधा अधूरा ख्वाब, आप हमारी सच्चाइयाँ। आप हमारी शक्ति हो, हम मात्र परछाइयाँ। आप हो गहरा सागर, हम बहती सूक्ष्म इकाइयाँ। क्या लिखूं पिता आपके लिए, जिसमें छिपी बेशुमार अच्छाइयाँ। सुंदर मन, सुंदर तन, तुझसे ही माँ का। पापा, सुंदर मन, सुंदर तन, तुझसे ही माँ का। पायल झनके बिंदिया चमके, पायल झनके बिंदिया चमके, खनके माँ की तुझसे ही कलाइयाँ। क्या लिखूं पिता आपके लिए, जिसमें छिपी बेशुमार अच्छाइयाँ। तू ही सेवक, तू ही मालिक, तू ही विधाता है। तू ही सेवक, तू ही मालिक, तू ही विधाता है। डगमगाने पर कदम हमारे सही रास्ता दिखाता है। हम शून्य आकाश हैं, आप में छिपी सागर की गहराइयाँ। क्या लिखूं पिता आपके लिए, जिसमें छिपी बेशुमार अच्छाइयाँ। ना भूख की चिंता, ना प्यास की फिक्र, ना भूख की चिंता, ना प्यास की फिक्र। मेहनत कर खून पसीना एक वो करता, ताकि जो पा सका ना मैं, दे सकूं अपने बच्चों को वो ऊँचाइयाँ।
पापा, क्या लिखूं आपके लिए जिसमें छिपी बेशुमार अच्छाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्यालों में भी मेरा ही ख्याल रखते हैं, मेरे हर दर्द का अपनी बाहों में इलाज रखते हैं। खरोंच मेरी एक उन्हें कई रातें जगा जाती है। पापा भी ना, दिल अपने पास और धड़कने मेरे होठों की मुस्कान में रखते हैं। आइए सुनते हैं शाहजहाँपुर से रुचि ग्रोवर की कविता मेरे पापा। हैप्पी फादर्स डे। मैं शाहजहाँपुर से रुचि ग्रोवर। फादर्स डे के उपलक्ष में आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने पापा के साथ बिताए हुए कुछ लम्हे इस कविता के माध्यम से दर्शाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मीठी यादें। एक बार हम बचपन में मम्मी के साथ गए नानी के घर। वहाँ सब बड़ों में अकेली मैं ही थी बच्ची, मगर पापा के बिना नानी के घर मेरा मन लग ना पाया। उनकी याद ने मुझे दिन में एक दो बार रोज जरूर रुलाया, क्योंकि तब बातचीत करने के लिए ना ही थे फोन, जल्दी आने के लिए फिर पोस्ट कॉल से किया गया पापा को इन्फॉर्म। चिट्ठी पढ़कर पापा ने ट्रेन पकड़ी और जल्दी से आए, और जब मैंने पापा को अपने सामने देखा तो मेरे आंसू निकले और होठ थरथराए। फिर पापा ने मुझे अपने कलेजे से लगाया, अपनी गोद में प्यार से मुझको बैठाया। ये तो थी बचपन की एक मेरी दास्तान। ऐसे ही अनेक रातों पर आज भी मेरा दिल हो जाता है कुर्बान। मेरे पापा ने कभी मुझे अपनी साइकिल पर घुमाया तो कभी हम सबको सरकत और नुमाइश का शो दिखाया। हमारी शैतानियों पर उन्होंने हमारे पकड़े कान, हमारी फरमाइशों पर लगा दी पूरी दुकान। जब कभी जीवन की राहों में मुश्किलों ने हमको थकाया, तब उस घनी धूप में बादलों की गर्दी उन्होंने हम पर छाया। खुद के मान अनुभवों से हमारा करवाया उत्थान, और कभी ना जताया कोई एहसान। ऐसे हैं हमारे पापा महान, जो हम सब बच्चों की हैं शान, जो हम सब बच्चों की हैं शान। धन्यवाद। जीवन की चार अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था व वृद्धावस्था। सबसे मुश्किल है समझ पाना किशोर मन को। किशोर मन की कल्पनाओं भावनाओं का बहुत सजीव वर्णन किया है कानपुर से श्रीमती आंचल मेहरोत्रा जी ने। हेलो दोस्तों, IKMG के सभी सदस्यों का आंचल मेहरोत्रा का प्रेम भरा नमस्कार। कहते हैं टीन एज जो होती है बड़ी अल्लड़, बड़ी नाजुक और मासूम सी होती है, तो चलिए आज इसी टीन एज की एक कथा सुनते हैं कविता की जुबानी। और हमारी कविता का शीर्षक है 16वां साल। याद है वो बचपन का पहला प्यार, स्कूल में हुई थी आंखें चार। अलजिब्रा, ज्योमेट्री, कॉस साइन टीटा, एक लड़का था जो आपको दिल दे बैठा। मासूम थी जिंदगी वो सुहानी, दो चोटी से पोनी टेल की शुरू हुई कहानी। इतनी मुश्किल से होती थी याद वो हिस्ट्री, मन में हलचल की सॉल्व करने लगे थे मिस्ट्री।
दिमाग को पढ़ाई पर ध्यान भी देना था, लेकिन दिल को इससे क्या लेना था। वो तो जोरों से धड़के जाता था, पहले प्यार की एक झलक को तड़पे जाता था। एग्जाम्स में उसका चिट पर आंसर लिख कर देना, लगा जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में कलर भर देना। दिमाग में केमिकल गोची हो गई, फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री पेपर में खो गई। एग्जाम्स के बाद छुट्टियां सौतन लगने लगी, कैसे देखेंगे उन्हें, टेंशन बढ़ने लगी। तभी एक लेटर चुपके से उनका दोस्त ले आया। खुशी से जब खोला, दिमाग झनझनाया। लिखा था, आपको हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, हमें हिम्मत नहीं पड़ रही, जाने कैसे लिख रहे हैं। वो जो है ना नीले आंखों वाली आपकी सहेली, उनका नंबर दे दीजिए, बस सुलझा दो ये पहेली। मन ही मन दिल खुद पर जोरों से हंसने लगा, सहेली के चक्कर में हमारा ही दिल फंसने लगा। कोई नहीं, ये तो शुरुआत है, 16 साल होने में बस कुछ ही दिनों की तो बात है। धन्यवाद। चुपचाप बैठे हैं आज सपने मेरे, चुपचाप बैठे हैं आज सपने मेरे, लगता है फिर हकीकत ने सबक सिखाया है, लगता है फिर हकीकत ने सबक सिखाया है। आइए सुनते हैं कलकत्ता से श्री अनिल बर्मन जी की कविता राष्ट्रपिता। मैं अनिल बर्मन कलकत्ता से IKMG के समस्त सदस्यों का अभिनंदन करता हूँ। मैं बैंक में कार्यरत था और 2014 में सेवानिवृत्त हुआ। साहित्य में बचपन से रुचि थी, कभी कभी कविताएं भी लिख लेता हूँ। कवि सम्मेलन का दूसरा चरण यानी कविता अभी भी जनमानस में जिंदा है। स्वाधीनता के बाद नेताओं ने जनता को लाखों सपने दिखाए, वो सपने पूरे हुए या नहीं ये तो भगवान ही जानता है, पर नेताओं ने अपनी रोटियां खूब सेकी। इसी प्रसंग में एक कविता जिसका शीर्षक है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता, मैं सपने बेचा करता था, खुशहाली के सपने, हरे भरे खेतों के सपने, नव निर्माण के सपने, सोन चिड़ियाओं के सपने, राम राज्य के सपने। खूब चली थी दुकान, ढेरों कमाया ढेरों लुटाया, पर मैं क्या करूं अगर राम राज्य ना आया। छोटी सी बात कोई समझ ना पाया, सपने भी कभी सच होते हैं। बाजार बड़ा मंदा है, पर क्या करें धंधा तो धंधा है, ग्राहक अब नहीं मिलते, सपने अब नहीं बिकते। दुकान तो चलानी है, बाप दादों की निशानी है, माल बदल डाला है, रोटी तो कमानी है, मैं अब नफ़रत बेचता हूँ। नफ़रत दावानल है, जल्दी फैलती है, देर से बुझती है, लोगों का साहस जुटाती है, उन्हें लड़ना सिखाती है। नफ़रत में ताकत है, लोगों में बगावत है, वहाँ गांव के गांव जलते हैं, यहाँ घी के दिए, वो किसके लिए मरे हम किसके लिए जिए। खूब चल निकली है दुकान, सोचता हूँ ये माल कब तक बिकेगा, ग्राहक बड़ा चालाक है, जल्दी ही सीखेगा। पर अभी से क्यों मगज मारें, साला कोई बचेगा तब तो खरीदेगा। और अगर कहीं भाग्य ने पलटा खाया, इतिहास ने अपने आप को दोहराया, ये नफ़रत कहीं ले गई हमी को, तब भी परवाह नहीं, दुकान और चलेगी,
बच्चे बैठेंगे, वो आजीवन रंगरलियां मनाएंगे और हम राष्ट्रपिता कहलाएंगे। हर माता पिता का सपना होता है धूमधाम से अपने बच्चे का विवाह करना। शादी विवाह सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं, अभी तो दो परिवारों का मिलन होता है। कल, आज और कल, विवाह कैसे होते थे, हो रहे हैं व होंगे का बहुत सुंदर वर्णन किया है कलकत्ता से श्रीमती रीना बर्मन जी ने। IKMG रेडियो के सभी श्रोताओं को रीना बर्मन का प्यार भरा नमस्कार। शादी विवाह तब भी होते थे, अब भी होते हैं, देखें बदला क्या है। मेरी कविता का शीर्षक है विवाह तब और अब। वो भी क्या जमाने थे, विवाह जब रचाए जाते थे महीनों महीनों पहले से, प्यार भरे न्योते आते थे, माँ बाप बच्चों के इम्तहान तक छुड़ा ले जाते थे, खुशी खुशी शादी मनाते थे। अब की तो हर बात निराली, टेले टेले की हाजिरी हमारी, किसी तरह निमंत्रण निपटाते हैं, जिम्मेदारी अपनी निभाते हैं। बाय शाय कर सभी जनों को, दौड़े भागे घर को वापस आते हैं। पहले पत्तल परसी जाती थी, कतार बिठाई जाती थी, लाख मना करने पर भी एक मिर्ती पत्तल में जबरदस्ती रख दी जाती थी, यूं प्रीत की रीत निभाई जाती थी। अब सैकड़ों भोज बनाते हैं, किलो दो किलोमीटर तक सजाते हैं, हम खोजते खोजते थक जाते हैं, जरा सा कुछ ले प्लेट यूं ही रखाते हैं, औरों से सुन तारीफें खाने की मन ही मन पछताते हैं। तब धूमधाम से आई बारात में कोई जीजा फूफा रूठा करते थे, ताई ताऊ कितना उन्हें मनाते थे, पूरा समय यूं ही गंवाते थे, बेचारे ब्याह तक न देख पाते थे। अब रूठे कोई तो मनाए कौन, इतनी फुर्सत लाए कौन, शादी की रस्मों को देखे या टूटे फूटे किससे समेटे। तब जब बेदी सजती थी सुंदर खिलौनों से लदती थी, हर एक फूल महकता था, माहौल कितना चहकता था, बच्चे किलकारी भरते थे। अब शादी में बच्चे कब आ पाते हैं, बेचारे इम्तहान ही देते रह जाते हैं, इवेंट वाले मंडप सजाते हैं, आधे नकली फूल ही ले आते हैं, हम जश्न देखते रहते हैं, रस्म और रिवाज कहीं खो जाते हैं। तब दुल्हन डोली चढ़ती थी, पल पल सुबकती रहती थी, माँ बाप गले लगाते थे, मेहमान विदाई की सुनकर ही रो जाते थे। अब गुलाब सजी गाड़ी आती है, दुल्हन टाटा कर सासरे जाती है, पहली विदा में हंसते हंसते आती है और साथी संग खुशी खुशी लौट जाती है। कोरोना ने किया और कमाल, शादी में जाना हुआ मुहाल, जूम मीटिंग पर ही लुत्फ उठाते हैं, विवाह गीत गा गा कर दूर से ही खुशियां मनाते हैं, भोज का आनंद तक न ले पाते हैं। 50 की संख्या भी अब भारी है, 91 की तो वारी न्यारी है, 91 यदि दूल्हा भी हुआ तो पकड़ा जाएगा, बेचारा शादी क्या रचाएगा। आओ सब मिलकर दुआ करें, अच्छे दिन जल्दी आएं, ताकि हम तन मन से शादी में शामिल हो पाएं। धन्यवाद। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है,
कभी सुख तो कभी दुख। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में दसों उंगलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो फिर दुनिया से क्या गिला शिकवा करना। अतः हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सबका भला करते रहिए। आइए सुनते हैं कैलिफोर्निया से श्रीमती मानसी मैहर जी की कविता। मैं मानसी मैहर फ्रीमोंट कैलिफोर्निया से। जैसे कि रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह हमारे जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आता है। यही भाव लेके आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ अपनी इस कविता के जरिए। सांझ ढले बीच आंगन में बैठी अतीत के पन्ने पलट रही थी मैं, बिसरे वक्त की यादें समेट रही थी। अपनों का साथ और अपनी ख्वाहिशात, टूटे सपने और बिखरी जात, कश्मकश की कश्ती वक्त की धार में खाती हिचकोले। तभी एक आहट ने मुझे यथार्थ में ला ढकेला। एक माजी आया द्वार पे अपनी गहरी आंखें लेके, डूब जिसमें पाया मैंने नए सपनों का डेरा। थामी उसने मेरी नैया, किया खेने का वादा। ख्वाबों के फूल सजाए और महकाई मेरी फुलवारी, उम्मीदों का दिया जला के किया रोशन ये सफर। लोगों के मेले में चमकती दमकती उसकी काया, झीनी सी मुस्कान उसकी बिखेरती लाखों खुशियां। मोती कुंदन हुए किनारे, मुझे कोहिनूर मिल गया, मुझे कोहिनूर मिल गया। धन्यवाद। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जिंदगी निकल जाती है ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। आइए सुनते हैं शाहजहांपुर से श्रीमती रजनी सेठ जी की कविता। IKMG के सभी सदस्यों को जय सियाराम, जय जय हनुमान। सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनों को खोया है, उनका दर्द मैं महसूस करती हूँ और उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ओम शांति। मैं आपके सम्मुख जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जिंदगी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी है। चलो हंसकर जिए, चलो खुलकर जिए, फिर न आने वाली वह रात सुहानी, फिर न आने वाला यह दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज और अभी जियो, दूसरा हो न हो, आओ जिंदगी को गाते चलो, कुछ बातें मन की करते चलो, रूठों को मनाते चलें। आओ जीवन की कहानी को प्यार से लिखते चलें, कुछ बोल मीठे बोलते चलें, कुछ रिश्ते नए बनाते चलें। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चलें, आओ सबके साथ चलते चलें, जिंदगी का सफर यूं ही काटते चलें। धन्यवाद।
जल है तो वन संरक्षित, वन है तो है पानी, और पानी है तो है जीवन। रखेंगे अगर हम ख्याल इनका, तो ये भी हमारा ख्याल रखेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि पॉलिथीन की जगह झोले का इस्तेमाल करिए, टिश्यू पेपर की जगह रुमाल। एक पौधा लगाइए, उसको संभालिए, यकीनन वो पर्यावरण को संभाल लेगा। आइए सुनते हैं पर्यावरण पर लखीमपुर से श्रीमती प्रिया मेहरोत्रा जी की कविता। मैं प्रिया मेहरोत्रा, IKMG के सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपनी एक छोटी सी कविता के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है प्रकृति की नाराज़गी। आज प्रकृति हमसे बहुत रूठी हुई है, आज हमारी प्रकृति हमसे बहुत नाराज़ हो चुकी है। चलिए हम जानते हैं कि आज हम मानवों ने ऐसा क्या किया है जिससे हमारी यह प्रकृति हमसे रूठ चुकी है। करुण रुदन करती यह प्रकृति आज हमें रुलाने आई है, करुण रुदन करती यह प्रकृति आज हमें रुलाने आई है। अपनी सांसों में आह भर कहर ढाने आई है, कहर ढाने आई है। हमने ही काट के नन्हे पौधों को माँ धरती से अलग किया, हमने ही इस हरी भरी हरियाली को आज बंजर किया, हमने ही इस हरी भरी हरियाली को आज बंजर किया। क्रीड़ा करते पुष्पों को अपने ही पैरों को चल दिया, चह चहाते पंछियों का हमने ही तो कत्ल किया। आग लगाकर जंगल में पशुओं को जलते छोड़ दिया, हम इंसानों के कुकृत्यों का यह बदला लेने आई है। अपनी सांसों में आह भर कहर ढहाने आई है, कुदरत के अनमोल उपहारों का हमने मजाक बना दिया। मानव ने अपने खातिर कुदरत का गला दबा दिया, कुंठित हुई अपनी धरती माँ पर अपनों ने अपनों का खून बहा दिया। जल जीवन संभव है जिससे, जल जीवन संभव है जिससे, आज उसी पे संकट ला दिया, आज उसी पे संकट ला दिया। समापन की ओर बढ़ती यह प्रकृति, समापन की ओर बढ़ती यह प्रकृति नया आरंभ करने आई है। करुण रुदन करती यह प्रकृति हमें रुलाने आई है, अपनी सांसों में आह भर कहर ढहाने आई है। कोरोना का डर, अपनों को खोने का डर अभी भी व्याप्त है हम सब लोगों के मन में। वैक्सीन आ गई है, पर उसको लेकर भी तमाम तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। इस डर से निकलना ही होगा। अक्सर हम लोग ट्रक के पीछे देखते हैं, छोटे छोटे कोटेशंस लिखे रहते हैं। ऐसा ही एक दो कोटेशंस मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा, टीका लगवा ले, कोरोना हार जाएगा। कोरोना के डर से निकलना बहुत जरूरी है। आइए सुनते हैं कानपुर से श्रीमती सरिता सेठ जी की कविता कोरोना पर। नमस्कार, सर्वप्रथम आज मैं आपको हास्य कवि बेढ़ो बनारसी जी की कविता वह युग कब आएगा की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। तत्पश्चात आज की ज्वलन समस्या कोरोना पर अपनी लिखी हुई रचना इसी तर्ज पर सुनाऊंगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है वह युग कब आएगा। वह युग कब आएगा जब पेड़ नहीं केवल शाखें होंगी, जब चश्मे के ऊपर आँखें होंगी। वह युग कब आएगा
जब हारने वाले को ही दी जाएगी ट्रॉफी, जब हारने वाले को ही दी जाएगी ट्रॉफी, जब गाय देगी चाय और भैंस देगी कॉफ़ी, वह युग कब आएगा जब बिना दरवाजे और खिड़कियों का घर होगा, जब बिना दरवाजे और खिड़कियों का घर होगा, जब दिल में हीटर पेट में रेफ्रिजरेटर होगा, वह युग कब आएगा जब पानी बिकेगा दिया सलाई में, जब पानी बिकेगा दिया सलाई में, जब भलाई ढूंढेंगे रोग बुराई में, वह युग कब आएगा जब आदमी के ऊपर बैठी कुर्सी होगी, जब आदमी के ऊपर बैठी कुर्सी होगी, जब पैदा होने पर ही मातम पुरसी होगी, पैदा होने पर ही मातम पुरसी होगी। चलिए मातम पुरसी के नाम से तो मुझे याद आया कि हमें कोरोना की मातम पुरसी करनी है, तो लीजिए इसी से संबंधित मेरी रचना सुनिए, प्रस्तुत है। वह युग आ गया है कोरोना, ओ कोरोना, कर ली तूने बहुत मनमानी, अब याद दिलाएंगे तुझको तेरी नानी। करोना ओ करोना, वह युग आ गया है, रुलाया तूने सबको बहुत करोना, अब तो पड़ेगा तुझको ही रोना। करोना ओ करोना, वह युग आ गया है, हम हिम्मत ना हारेंगे, जड़ से तुझे उखाड़ेंगे। करोना ओ करोना, वह युग आ गया है, करोना ओ करोना, अब न चलेगी तेरी मर्जी। मास्क की दीवार लगाकर सैनिटाइजर का जहर पिलाकर करेंगे तेरी मातम कुर्सी। करोना ओ करोना, भाग करोना, सबने वैक्सीन लगवा ली, भाग करोना, भाग करोना। हर व्यक्ति के गुण स्वभाव की तरह उनकी हंसी में भी अंतर होता है। अगर हम लोगों की हंसी पर गौर करें तो ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति की सोच कैसी है। व्यक्ति में मौजूद गुण दोषों को भी हंसी से जाना जा सकता है। व्यक्तित्व का आईना होती है हंसी। तो आइए सुनते हैं हंसी के प्रकार कानपुर से श्रीमती शशि सेठ जी से। IKMG के सभी श्रोताओं को शशि सेठ का जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपनी जिंदगी में हम सभी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हंसी और मुस्कुराहट की परिभाषाएं भी तय की गई, पर आज मेरे हृदय ने जो अनुभूत किया, अपने भाव, अपने उद्गार कुछ शब्दों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है उन्मुक्त हंसी। उन्मुक्त हंसी, एक पल की उन्मुक्त हंसी खुशियों का दामन भर देती। एक पल की उन्मुक्त हंसी खुशियों का दामन भर देती, जाने कैसे कैसे वो भाव बयां कर देती, जाने कैसे कैसे वो भाव बयां कर देती। रूप छुपा लेती है हर भाव और हर रस का, खुशी वेदना व्यंग कभी घावों को ढक लेती है, खुशी वेदना व्यंग कभी घावों को ढक लेती है। एक हंसी ऐसी जो सूक्ष्म परिष्कृत होती, लेकिन यह केवल सिद्ध आत्मा की होती। हंसिता हंसी केवल होठों की मुस्कान लिए, विहंसिता हंसी खुली मुस्कान लिए हंसने का उपक्रम करती। उपहंसिता हंसी ठहाके ले कभी कटाक्ष व्यंग है करती, अपहंसिता हंसी हंसने में नयन सजल कर देती, अपहंसिता हंसी हंसने में नयन सजल कर देती। अति हंसिता हंसी ऐसी तन लोट पोट कर देती, होती एक अस्तित्वगत हंसी जो जीवन की क्षण भंगुरता का सार बयां कर देती, होती एक अस्तित्वगत हंसी जो जीवन की क्षण भंगुरता का सार बयां कर देती। पर क्या ये उन्मुक्त हंसी परिभाषा तय कर पाएगी? नाम कभी अपना
क्या सार्थक कर पाएगी? पर क्या ये उन्मुक्त हंसी परिभाषा तय कर पाएगी? नाम कभी अपना क्या सार्थक कर पाएगी? राग और रागिनियों के जिसमें झंकृत स्वर हो जाएं, राग और रागिनियों के जिसमें झंकृत स्वर हो जाएं, अरुणिमा की प्रथम किरण सा नव संचारण हो जाए, अरुणिमा की प्रथम किरण सा नव संचारण हो जाए। खिली चांदनी सी आभा, खिलते फूलों सी शोभा, ओस के बूंदों से मोती ले हो उड़ते पंछी का। खिली चांदनी सी आभा, खिलते फूलों सी शोभा, ओस के बूंदों से मोती ले हो उड़ते पंछी का। छल कपट राग और द्वेष परे, छल कपट राग और द्वेष परे, बस निश्चल प्यारी होती है। छल कपट राग और द्वेष परे, बस निश्चल प्यारी होती है। हाँ, सत्य वही उन्मुक्त हंसी पावन बालक की होती है। हाँ, सत्य वही उन्मुक्त हंसी पावन बालक की होती है, पावन बालक की होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।